Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing really well. So I wanted to share a few insights that I kind of received while I was doing my writing for my session tomorrow about my light upon light, जिसमें मैं लोगों को कुरान की आयतों से inspire होकर artwork करना सिखाती हूँ, which is Islamic geometry infused with other art techniques. So of course, if it's that something that you'd like to join me, you can send me a message and connect with me through my Instagram. Sari information niche hai, aap log padhkar usse mujhe contact kar sakte hain. Anyway, the reason I wanted to make this session is because I received this insight. I thought it's so powerful. Just to give you a little bit of a gist, like a little basic idea, maine apni life mein kabhi nahi socha tha ki Quran को मैं इस तरीके से कभी पढ़ूंगी या उसको जानने की मेरे अंदर अल्लाह हिम्मत डिज़ायर करेज डालेगा. एंड दिस ईयर इन जनवरी आई स्टार्टेड डूइंग दीज सेशंस. हम अपने 7 सेशन पे पहुंच चुके हैं. ऑल द रिकॉर्डिंग्स अगेन आर अवेलेबल ऑन माय पेट्रियन. अगर आपको लगता है आप भी मेरी तरह कुरान को जीना चाहते हैं, ना कि सिर्फ समझ के पढ़ के रख लें उसको और हाँ कुछ बातें इधर उधर से सुन लें, बेसिकली कुरान को हमने जीना है, उसको हमने अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, उसकी रोशनी को अपने दिल की रोशनी, अपने दिमाग की रोशनी से मिला कर उसके रास्ते पर चलना है, राइट. सो द 7th डे, लाइक आई सेड, कल मेरा 7th सेशन है. उसके लिए मुझे 2 आयतें मैंने पिक की हैं. एक है सूरह 2 की आयत 213 और सूरह 42 की आयत 52. इन दोनों में कुछ अल्लाह मियां ने ऐसी बातें की हैं जिससे हमें पता लगता है कि इस रेवलेशन में, इस किताब, इस स्क्रिप्चर में जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है वो ऐसी क्यों है. लाइक रेवलेशन में उसने ऐसा क्या दिया है जिससे हमें हमारा फेथ बढ़ सकता है, लाइक हमारा तकवा बढ़ाने के लिए हमें अल्लाह ने किस तरीके से ये रेवलेशन दी है. तो इसमें वो 2 बातें करते हैं. वो कहते हैं कि हमें जो प्रॉफिट्स आए, जो ये मैसेज लेकर आए, इन किताबों में उन्होंने हमें दी गुड न्यूज़ और हमें दी वार्निंग्स. लाइक कुरान के अंदर गुड न्यूज़ भी है और वार्निंग भी है. किस बात की गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ ये दी उन्होंने हमें कि हमारे लिए गाइडेंस है इस किताब में, राइट. और वार्निंग किस बात की है? हमें उन चीज़ों से बचाने के लिए जो हमें सीधे रास्ते पे से उतार सकती हैं. सो आई विल से दैट अगेन. 2 चीज़ें हैं इस कुरान में जो हमें दी गई हैं. 1 इज़ द गाइडेंस सो दैट वी कैन गो ऑन द राइट पाथ टूवर्ड्स अल्लाह, टूवर्ड्स ट्रुथ. और दूसरी वार्निंग्स, वार्निंग्स के हम उन पाथ पे से ना उतरें जो सीधा पाथ हमारे अल्लाह की तरफ जाता है, हम उस पे से ना उतरें. तो उसकी प्रोटेक्शन दी है हमें थ्रू दोज वार्निंग्स. नाउ जब हम लम्हा बात करते हैं अपनी किताब के बारे में तो बोलते हैं कि मैंने जो ये किताब दी है ये लाइट है, राइट. नाउ नथिंग इन द यूनिवर्स इज़ अ कोइंसिडेंस. लाइट के 2 मायने होते हैं. एक मायने जो कि लाइट एज फेदर, मतलब हल्का, प्यार से, सॉफ्ट, आराम से. और दूसरा, जब हम स्विच ऑन करते हैं कमरे में लाइट की तो अचानक से लाइट करके जब जागती है, लाइक ऑन होती है, तो अंधेरा गायब हो जाता है, सारी बुराई, सारी गंदगी हमें नज़र आने लग जाती है ताकि हम उसको साफ़ कर सकें, राइट. कमरे में एकदम से रोशनी फैल जाती है. सो ये 2 किस्म की लाइट्स होती हैं. अल्लाह मियाँ कहते हैं कुरान में गाइडेंस है और प्रोटेक्शन है हमारे लिए, राइट. फिर वो कहते हैं कि मैंने ये कुरान को लाइट बनाकर भेजा है. अब हम प्रोटेक्शन और गाइडेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं? गाइडेंस जब उसने दी तो हमें उसने प्यार से दी, सॉफ्ट तरीके से, एक फेदर की तरह. क्योंकि जब हमें गाइडेंस मिलती है अल्लाह की तरफ से प्यार से और हमें वो कहता है मैं रहमान हूँ और रहीम हूँ तुम्हारा, मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ, हमें सीधे रास्ते पर चलाता है, हमारा हाथ पकड़ के लेकर जाता है, तो ये वो बहुत नरम तरीके से लेकर आता है, एक फेदर की तरह, एक हल्केपन की तरह. तो वो हमारे दिल को नरम करती है, हमारे दिल को छूती है. सो द गाइडेंस दैट अल्लाह गिव्स अस टचेस आर हार्ट, सीप्स थ्रू आर हार्ट इन अ वेरी सॉफ्ट,
जेंटल डेलिकेट वे, ठीक है। और जो हमें वो वार्निंग देता है उसमें वो क्लियर बताता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये करना है और ये नहीं करना है। जैसे कि जब लाइट स्विच ऑन होती है हमें सब कुछ क्लियरली नज़र आता है कि भाई ये जगह, ये वाला कोना कमरे का जो है ना वो गंदा हो रहा है, वो वाला कोना साफ़ है तो हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, भाई यहाँ पर ये गंदगी है तो हमें साफ़ गंदगी नज़र आने लगती है। इट्स वेरी क्लियर। सो फिर हम अपने आप को उसमें बेहतर करने लगते हैं। तो रोशनी से हमारे दिल को सुकून मिलता है और हम हल्का महसूस करते हैं, और वही रोशनी से हमारी एकदम से आँखें खुल जाती हैं और हम सही रास्ते पर आ जाते हैं, कमरा साफ करने लग जाते हैं अपना, क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि इसमें हमारे लिए वार्निंग है कि वो जो गंदा कमरा है उसकी वजह से अम्मा से डांट पड़ेगी, राइट। सो इसी तरह से अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करता है कि भाई वो डांट से बेहतर है तुम पहले सुधर जाओ, सफाई कर लो अपनी, ताकि तुम्हें कोई गंदगी ना रहे, और रोशनी खोलो मेरी किताब की ताकि अपने अंदर जज्ब कर सको। वो बात जो वो प्यार से जेंटल एक फेदर की तरह करता है वो हमारे दिल को छू जाती है। वो बात जो हमें क्लियर साइंस देता है, क्लियर बात करता है असर्टिव तरीके से, वो हमारे दिमाग को समझ आती है। तो बेसिकली कुरान इज गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन फॉर आर हार्ट एंड गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन फॉर आर माइंड। वो ऐसी किताब है जो अल्लाह ने बनाई जिससे हमें गाइडेंस मिलती है हमारे दिल को नरम करने के लिए, और हमें प्रोटेक्शन मिलती है कि किस तरह से हम इसको साफ रखें और प्रोटेक्ट करें अंधेरे और गलत कामों से, और हमारे दिमाग को वो सॉफ्टली आराम से बात करके समझाती है कुरान की रोशनी, कुरान के अल्फाज, कुरान की बातें और उसकी कहानी कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, और वो हमें समझ में आती है। तो कुरान की बात, कुरान की लाइट हमारे दिल में भी उतरती है, हमारे दिमाग में भी उतरती है। अब आप ये सोचें कि रोशनी जब आपके दिमाग में होगी, रोशनी जब आपके दिल में होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो क्या होगी? रोशनी की तरफ जाएगी, खुदा की तरफ जाएगी। जब वो खुदा की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि कौन से रास्ते पे है? सीधे रास्ते पे है। जब वो सीधे रास्ते पे है तो सीधे रास्ते पे एंडिंग कहाँ होगी? सच पर। सच क्या है? कि आपका खुदा अल्लाह है, अल्लाह एक है। सो थ्रू दिस बुक वी रिसीव गाइडेंस एंड वी रिसीव प्रोटेक्शन। गाइडेंस विच इज़ गुड न्यूज़ एंड वार्निंग विच इज़ द प्रोटेक्शन। एक प्यार से दी जाती है, आराम से, तहमुल से, और एक क्लियरली दी जाती है विद एफर्मेशन कि अब सुधर जाओ, वार्निंग। आई होप दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट कुरान एंड मेक्स यू वॉन्ट टू नो एंड बी एबल टू हैव दिस प्रोटेक्शन एंड हैव दिस गाइडेंस फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल बुक दैट आर अल्लाह हैज सेंट फॉर अस एंड Which helps us, जब हम गाइडेंस होगी हमारे पास और हम फील करेंगे हम प्रोटेक्टेड हैं, ऑटोमेटिकली हमारा यकीन, हमारा तकवा, हमारा दिल, हमारा दिमाग अल्लाह की मोहब्बत का की ही जमानत देगा, अल्लाह को ही मानेगा। सो ऑटोमेटिकली ये दो चीज़ों को जब हम समझेंगे कि इस किताब में ये दो चीज़ें हैं जो अल्लाह हमें दे रहा है, हमारे लिए दिया है उसने, ऑटोमेटिकली हमारा फेथ इंक्रीज होगा। आई रियली 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 होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू डू यू कैन कनेक्ट विद मी, सेंड मी मैसेज, लाइक आई सेड सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, एंड फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन द टू थिंग्स, the light as a feather and the light that is clear and protective and that which symbolizes the warnings in Quran, इन दोनों के ऊपर मैं कल एक आर्टवर्क बनाना सिखाऊंगी। नाउ द रीज़न आई डू दीज सेशंस इज ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कुरान को जज्ब करना है, बट दीज सेशंस आर ग्रेट फॉर मेंटल हेल्थ, आर ग्रेट फॉर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। इट्स ग्रेट टू कनेक्ट योर अल्लाह टू योर सोल, टू योर इनर वॉइस। दे आर ग्रेट टू फ्री यू फ्रॉम द वर्ल्ड एंड द अटैचमेंट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आपको लगता है ना सच में आप अपने अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हैं और अपने आप
आपसे मिलने के लिए तैयार हैं जैसे उसने आपको बनाया है. सेंड मी अ मैसेज, ज्वाइन द सेशंस. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हुई है और मेरे सेशंस के थ्रू बहुत सारे लोगों को अपनी आवाज़ क्लियरली सुनने का चांस मिला है और अपने अल्लाह से कनेक्ट करने का जज्बा मिला है, एक डिज़ायर मिली है, एक खोज में जाने की, चलने की मेरे साथ एक रास्ता मिला है हमें. अगर आप हमारे साथ इस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो सेंड मी अ मैसेज, आई वुड एब्सोल्यूटली लव टू शेयर इट विद यू. एंड अगेन आई विल, अगर पसंद आई है वीडियो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, स्क्रोल करके ऊपर निकल जाइए. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ दुआ, लॉट्स ऑफ लाइट, एंड आई रियली रियली होप कि अल्लाह मियाँ आप लोगों को मेरी तरह मेरे हाथ पकड़ के और अपना हाथ पकड़ के हम लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर जाए ताकि हम उसकी मोहब्बत होने की फुल फॉर्म में अपने आप को दिखा सकें कि वो अगर हमसे कितनी मोहब्बत करता है तो हम भी उससे उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करें. आई रियली होप दैट यू हैव एन एब्सोल्युटली मैजिकल डे गाइस. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स एंड इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी. अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ.